इंडिया से काफी लोग माइग्रेशन करने की प्लानिंग करते हैं कनाडा वगैरह, वहां की कल्चर में अडॉप्ट कर लेते हैं वो, तो उसका जो गुना होगा वो... जो आपको कनाडा को गैर मुस्लिम मुल्क कह रहे हैं, तो वो इंडिया को मुसलमान मुल्क समझते हैं। एक गैर मुस्लिम मुल्क से दूसरे गैर मुस्लिम मुल्क में जा रहे हैं तो मसला ही खत्म हो गया। हमारे कई एक स्टूडेंट सेटल हैं और वो तो कह रहे हैं हम पाकिस्तान से भी अच्छी जिंदगी वहां गुजार रहे हैं। वो तो कहते हैं हम वहां के ज्यादा प्रैक्टिसिंग हो गए, हमारे अपने अकेडमी से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं। तो आप कैनेडा में तो बड़े हालात साजगार हैं। कैनेडा में तो मुसलमानों की अलहदा से कम्युनिटी है, जहाँ पे उन्हीं लोगों के स्कूल्स भी हैं, वहाँ पे रहायश भी है, मस्जिदें भी मौजूद हैं। इंडिया पाकिस्तान से आप बेहतर जिंदगी वहाँ गुजार रहे हैं। जी नेक्स्ट हमारे साथ अब्दुल अजीज भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अजीज भाई, कहाँ से हैं आप? लाइव है, अपना सवाल करें। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। मैं इंडिया मुंबई से हूँ। फिलहाल मैं रियाद सऊदी में हूँ। जी, अपना सवाल करें। जी बहुत शुक्रिया मुझे कॉल पे रहने के लिए अली भाई। और काफी टाइम से मैं आपसे सोच रहा था कांटेक्ट करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह शर्फ हासिल हुआ। पहला सवाल मेरा ये था कि इंडिया से काफी लोग माइग्रेशन करने की प्लानिंग करते हैं कनाडा वगैरह, तो क्या एक डिस्कशन में एक साहब ने मुझे कहा कि आप गैर मुस्लिम मुल्क में जाओगे और फिर आपके जो अहलो हयाल होंगे आगे, खुदा ना खास्ता अगर वो किसी मतलब वो वहाँ की कल्चर में अडॉप्ट कर लेते हैं वो, तो उसका जो गुना होगा वो आप ही के ऊपर आएगा। तो ये पहला, तो फर्स्ट ये कि क्या माइग्रेशन करना अच्छा है, क्योंकि हमारे हालात आपको पता है। दूसरा, अगर हम करते हैं और ये ठीक है, चीज़ एक ही सवाल हो गया ना भाई, इतना लंबा सवाल तो नहीं होता ना। मुझे ये बताएं, जो आपको कनाडा को गैर मुस्लिम मुल्क कह रहे हैं, तो वो इंडिया को मुसलमान मुल्क समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर आपका तो सवाल तो खत्म ही हो गया। एक गैर मुस्लिम मुल्क से दूसरे गैर मुस्लिम मुल्क में जा रहे हैं तो मसला ही खत्म हो गया। जी, पर वो जो कल्चर डिफरेंसेस है जिसे जी कल्चरल डिफरेंस तो फिर देखे ना, जब एक नॉन मुस्लिम मुल्क है और दूसरा भी नॉन मुस्लिम मुल्क है, तो उसमें कौन सा ऐसा फर्क वाली बात होगी? जो आपको बेहतर लगता है वो करें। कनाडा में तो माशाल्लाह हमारे कई एक स्टूडेंट सेटल हैं और वो तो कह रहे हैं हम पाकिस्तान से भी अच्छी जिंदगी वहां गुजार रहे हैं। वहां तो जी मुसलमानों की बाकायदा कम्युनिटी बनी हुई है, मुसलमानों के स्कूल ज्यादा से हैं, कम्युनिटी के फॉर्म में रहते हैं। वो तो कहते हैं हम वहां के ज्यादा प्रैक्टिसिंग हो गए, हमारे अपने अकेडमी से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं। तो आप कैनेडा में तो बड़े हालात साजगार हैं। कनाडा में तो मुसलमानों की अलहदा से कम्युनिटी है, जहाँ पे उन्हीं लोगों के स्कूल्स भी हैं, वहाँ पे रहायश भी है, मस्जिदें भी मौजूद हैं। तो इंडिया पाकिस्तान से आप बेहतर जिंदगी वहां गुजारेंगे। अपना दूसरा क्वेश्चन करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके तो वीडियोस पे ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस तो अवेलेबल है। फिर भी मेरे पास एक क्लिप आई थी आपकी, कटिंग किसी ने भेजी मुझे, जिसमें आयशा और हजरत अली का जिक्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि आपका झगड़ा होगा। हाँ, मुसनद अहमद की वो हदीस है, उसमें अल्फाज अल्लाह के रसूल ने ये हजरत अली को कहा कि हजरत अली ने कहा कि मैं खसारे में होऊंगा, तो अल्लाह के रसूल ने सिर्फ इतना कहा कि नहीं। और उस वक्त सारे के पे अल्फाज नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल गलत बयानी हो रही है। जी अरबी में अल्फाज है अशका, मैं बदबख्त होऊंगा, ये अल्फाज है। जी हाँ, पर वो जब आपने मफहूम बयान किया था तो उसमें अब तो मैंने तो सॉफ्ट लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने तो जालिम का लफ्ज इस्तेमाल किया था। हदीस में तो लिखा हुआ बदबख्त, तो आप बदबख्त कर लें तर्जुमा। हाँ जी, बदबख्त कर लें। जिस बदबख्त ने आपको ये क्लिप भेजा उसे कहें कि ए बदबख्त, तू बदबख्त तर्जमा कर ले, उसमें अशका का लफ्ज है, शकी, तो उसे पर उसे कहें बदबख्त कर ले उसका तर्जमा। क्वेरी, उसका क्वेश्चन ये है कि थ्योरी माय खत्म हो गई शाह ना भाई उसकी, थ्योरी तो खत्म हो गई ना। उस हदीस पर में जब वो बदबख्त मौजूद है तो बदबख्त कर ले, वो ठीक है, कर ले तर्जमा, बात खत्म हो गई। जी माय शाह रज़ियल्लाहु तआला के बारे में, लेकिन तो मेरे उन्होंने भाई जब वो कह रहे हैं हदीस में बदबख्त मौजूद है तो उसे कहें बदबख्त कर ले तर्जमा, हदीस है ना, हम तो नहीं कर रहे ना, उसका हदीस में। उसका दर्जा हसन है या सही, वो जईफ बता रहे क्यों हो? उस हदीस के हुक्म हमने बताया हुआ है उसको, इमाम जो है हैसमी उन्होंने उस हदीस को सही कहा हुआ है मजमू ज़वाइद के अंदर। ये तो बहुत पुरानी बात है, आप तक अभी पहुंची है घूम घुमा के, ये तो कई साल पुरानी बात है, कई साल पुरानी बात है।
और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दी है, आप जाके लिखें सैयदा आयशा की गुस्ताखी का इल्जाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तो वीडियो मेरी खुल जाएगी, ठीक हो गया जी। वो आपकी बात भी गलत निकली, आपने कहा था कि इस पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, एक नहीं कई वीडियोस रिकॉर्ड है इसमें, ठीक हो गया अली भाई। एक एक सेल्फी दो सवाल हो गए आपके, ठीक है अब्दुल अजीज भाई, जजाक अल्लाह। वो सेल्फी लेनी है, सेल्फी सारों की दिलवाया करें यार प्लीज। जी शुक्रिया बहुत, जज़ाकअल्लाह अली भाई। दुआ होगी मेरे भाई सारों के लिए, बस टाइम बचाएं।